20 फॉर्मूलाज एंड फंक्शन सीखने हैं तो टाइम लगेगा, इसलिए हम टाइम उतना ज़्यादा बचा सके उतना अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे पहले टाइप टाइप कर रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने नेम ले लिया। सिटी ले लेता हूँ, मैं नेम को भी ड्रैग कर लेता हूँ। ले लेते हैं और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। उसके बाद इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज एज सेंटर, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसका, बोल्ड। ओके, उसी तरह से इसको मर्ज एंड सेंटर, दिस वन बोल्ड। ओके, कलर फिल कर लेते हैं, तो दोस्तों ये टेबल हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए हम फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला सीख लेते हैं इसमें, सम इफ्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था सम इफ, अगर आपको सीखना हो तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे शो कर रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके सीख सकते हैं। अगर आप हमारी अगली वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ आपको क्या, एक्सेल में एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, तो हम सम इफ्स फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सम इफ्स लिखा, उसके बाद यहाँ पे आपने देखने सम रेंज, यानी कि जो सेल अमाउंट वाला है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सम अमाउंट जो टोटल जो भी अमाउंट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज रेंज बोल रहा है। देखिए दोस्तों, आप इस चीज़ को ज़रूर समझें, क्राइटेरिया मैंने बताया था कि क्राइटेरिया को जो भी डबल कोट में देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, रेंज, यानी कि क्राइटेरिया किस में देना है, नेम में। चाहे मैंने दो क्राइटेरिया लेनी है तो अब क्या करेंगे हम, उसके बाद ये जो क्राइटेरिया रेंज वन है यानी कि नेम का निकालना है, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट और क्राइटेरिया वन। हाँ, रेंज मतलब कि उसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, हमने कौन सा नेम लेना है, नरेंद्र, NARENDR नरेंद्र टाइप किया, उसके बाद डबल कोट लगाया, उसके बाद कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज टू, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे जो ये जो सिटी वाला जो है, स्टेट या सिटी जो भी है, आपने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है टाइप किया हुआ, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, उसका डबल कोट, आप क्या लेना है, दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, उसके बाद टाइप के डबल कोट, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे आप। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, हमने टोटल निकालना है, किसका टोटल निकालना है, जो नरेंद्र दिल्ली में रहता है। तो उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, यानी टोटल जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 218,000, यानी 218,000, यानी कि जो भी नरेंद्र दिल्ली में रहता है ये उसने उसका पूरा टोटल करके दिखा दिया। दोस्तों कितना आसान है, कितना सिंपल तरीका है, यही तरीका आप अपने डाटा एंट्री वर्क में लेकर आइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, फंक्शन सब कुछ सिखाऊंगा डे बाय डे। आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अभी तो आपने सीखा है ओनली फर्स्ट फॉर्मूला एंड फंक्शन। अभी तो आपके पास 19 बचे हुए हैं दोस्तों, और 20 आप अगर आपको पहले के सीखने हैं तो उसको भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। अब दूसरा फंक्शन लगा रहे हैं हम यहाँ पे, एवरेज इफ़। जी हाँ दोस्तों, एवरेज इफ़, पिछले वीडियो में सीखा आपने एवरेज, अब सीखेंगे एवरेज इफ़। जो भी यूज़र यानी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक फॉर्मूलाज सिखाए हैं और मैं आपको इसी तरह से बेसिक फॉर्मूलाज, फंक्शन सिखाता रहूँगा। आप देखते रहेंगे और उसका एंजॉय यानी कि आनंद लेते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बड़े आसान तरीके सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन सिखाऊंगा। तो प्लीज़ इसे अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैंने क्योंकि बोला था दोस्तों, लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए अब दूसरा फॉर्म लगाते हैं हम, एवरेज इफ़।
एवरेज इफ। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्राइटेरिया क्या देना है। हमने कहा भाई एवरेज तो निकाला था हमने, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है एवरेज इफ लगाना है। तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, क्या देंगे कंडीशन। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई जो नरेंद्र है, अब मैं यहाँ पे सपोज डेट में सबका ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई नरेंद्र का मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक का दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं जो अभी कमांड है लगा लेता हूँ। मैं सपोज डेट की मैं यहाँ पे नाम का ना लेकर मैं यहाँ पे एक चलिए यहाँ पे मैं सिटी या जो भी नेम है निकाल लेता हूँ दिल्ली, क्योंकि नेम तो मतलब क्योंकि नरेंद्र दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, कहीं का भी बहुत जगह है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अब मुझे दिल्ली का, मैं सपोज कहता हूँ मैं दिल्ली की जो एवरेज कॉस्ट है, जो एवरेज है वो कितनी है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली को लेके कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज एवरेज इफ ब्रैकेट, और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है रेंज, क्या कह रहा है रेंज। तो हमें रेंज किसकी लेनी है, मैं किसकी निकाल रहा हूँ दिल्ली को लेकर। ठीक है जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैं दिल्ली को लेकर दिखा देता हूँ। तो उससे पहले क्या करता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, ये है क्राइटेरिया। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उनका टोटल अमाउंट करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे कॉमा लूँगा, कॉमा लेने के बाद मुझे जो सेल्स अमाउंट है उस सेल्स अमाउंट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये जो अमाउंट हमारे पास आया है टोटल एवरेज जो आई है वो आई है दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, किसकी आई है, दिल्ली की। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे हरियाणा लिख देता हूँ, हरियाणा, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हरियाणा का हमारे पास जो एवरेज है वो हरियाणा का निकल आता है। उसी तरह से यूपी बिहार का निकल जाएगा। दोस्तों ये सीखा आपने एवरेज, उस पहले वीडियो में आपने सीखा था टोटल का सबका एवरेज निकालना, अब सीख रहे हैं आप स्टेट या सिटी वाइज एवरेज निकालना। तो मैंने आपको सिखाया दिल्ली का और हरियाणा का। आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, यानी कि इस कॉलम से रिलेटेड, यानी जो भी कॉलम ने नेम लिए हैं, यानी हरियाणा यूपी बिहार जो भी लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार और बिहार लिखता हूँ, तो बिहार का ये एवरेज आ जाएगा, यानी कि 27,900। जी हाँ दोस्तों, ये सीखा आपने एवरेज इफ। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ काउंट इफ्स। क्या सिखाने जा रहा हूँ, काउंट इफ्स, क्योंकि पिछले वीडियो में सीखा था आपने काउंट इफ्स, अब सीखेंगे आप काउंट इफ्स। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इजी से इजी आपको मेथड सिखाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ एक्सपर्ट बनाना। तो चलिए फॉर्म लगाते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे निकालना है काउंट इफ। अब मुझे सपोज डैट कि मैंने कहा भाई ऐसा है कि जो बिहार तो बहुत जगह है, लेकिन टोटल बिहार जो है वो कितने हैं, हाँ जी कितने बिहार हैं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि नंबर ऑफ, यानी काउंट मतलब तो काउंट करेगा, तो यहाँ पे इक्वल लगाया, और उसके बाद आपने काउंट इफ लिखा, और उसके बाद सॉरी काउंट इफ सिखाना है मुझे आपको, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने काउंट इफ सीखा था, अब आप सीखेंगे काउंट ब्रैकेट लगाया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो काउंट इफ जो निकाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो भी दिल्ली या बिहार आपने सिटी लिया है, तो यानी दिल्ली और बिहार में जिसकी भी सेल जो है इतने से ज़्यादा है, वो आपको शो करके बता दे कि कितने हैं नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, फिर उसके बाद ही आप समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आपने लेना है पर्टिकुलर एक सिटी या प्लेस जो भी है, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते, डबल कोट में लगा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ डबल कोट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं बिहार टाइप कर लेता हूँ, जी हाँ बिहार, ताकि आपको पता चलता रहेगा। जी हाँ, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब मुझे निकालना है कि भाई ऐसा है कि उनका जो अमाउंट है, जो भी बिहार जो है 20,000 से जिसका भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिहार दिखा रहा है 12,000। जी हाँ, जो भी बिहार में कितने ऐसे लोग हैं जितने भी जिन्हें सेल किया है, वो कितनी सेलिंग ऐसी है जो कि 12,000 से ज़्यादा है। तो चलिए फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। सेल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद उसके ग्रेटर देन कितना, मैंने लिखा 12,000। जी हाँ दोस्तों, 12,000। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और क्या करूँगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस, मिस्टेक है, क्या मिस्टेक की है मैंने,
ओके, क्राइटेरिया को मैंने डबल कोट में नहीं लिखा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था क्राइटेरिया जो भी होगा उसको आप डबल कोट में लिखोगे। तो हाँ जी चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर निकल कर आया है वो निकल कर आया 6। जी हाँ दोस्तों, आंसर निकल के आया हमारे पास 6, यानी कि 12,000 से जिस पे भी सेल ज़्यादा हुए हैं वो टोटल बिहार जो हैं वो 6 है। 6 यानी कि नंबर निकल कर दिया है, यानी काउंट टिप्स। दोस्तों ये जो मैं फॉर्मूला फंक्शन सिखा रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला फंक्शंस आप आपकी जो भी टेबल है, जो भी वर्क करना चाहते हो, आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको एक ही टेबल में सिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको अलग अलग टेबल बनाऊँगा और 20 के 20 फॉर्मूला फंक्शन सिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको खाली फॉर्मूलाज और फंक्शन सिखा रहा हूँ, ताकि आप इनको सीखें और आपके पास जो भी वर्क है उस वर्क के अकॉर्डिंग आप उस फॉर्मूलाज फंक्शन को चूज़ करके अपने वर्क को शॉर्टकट तरीके से, सिंपल तरीके से, आप उसको आसान तरीके से उसको सॉल्व करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में जो भी फ्रेंड्स हैं सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप उनको शेयर करें, और कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट बॉक्स पर जाके कॉमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इफ़ कंडीशन। सपोज़ डैट कि मैंने यहीं पे अगर मैंने निकाल दिया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ गुड सेल और बैड सेल। जी हाँ दोस्तों, मैं निकालता हूँ यहाँ पे गुड सेल या बैड सेल। तो मैंने कहा भाई गुड सेल की ये हमने एक अमाउंट रखा है गुड सेल के लिए इतना, भाई जिसकी भी गुड सेल है तो उसमें ऐसे करके गुड सेल लिख के आ जाए, जिसकी भी जो सेल है इतनी से हज़ार से कम है या ज़्यादा है तो उसमें बैड सेल आ जाए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ गुड सेल एंड बैड सेल। ओके तो इसको मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, ओके और थोड़ा सा और ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, अब यहाँ पे गुड सेल बैड सेल आ गए, तो यहाँ पे यहीं पे मैं फंक्शन लगाता हूँ गुड सेल और बैड सेल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इफ़ टाइप करता हूँ और ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको लॉजिकल टेस्ट देना है, तो लॉजिकल टेस्ट मैंने यहाँ पे ये दिया, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने कि अगर हमारे पास जो सेल है वो अगर 20,000 से, कितने हज़ार से, 20,000 से अगर ज़्यादा है तो वो है गुड सेल, अदरवाइज वो क्या है, बैड सेल। और ब्रैकेट क्लोज। जी हाँ, तो हमने यहाँ पे ये दिया है कि अगर जो भी अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है वो गुड सेल है, अदरवाइज वो बैड सेल है। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली दिन भाई 50,000 जो है 20,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, गुड सेल आ जाएगा। अब आप इसको ड्रैग कर लीजिए, आप इसको ड्रैग करेंगे, देखिए हमारे पास ये सारा का सारा निकल के आ जाएगा भाई कौन सी गुड सेल है और कौन सी बैड सेल है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपने सीखा इफ़। जी हाँ दोस्तों, आपने सीखा इफ़। अब सिखाया तो मैं आपको लेंथ सिखाता हूँ, लेंथ फॉर्मूला कैसे है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ। जी हाँ दोस्तों, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इक्वल टू टाइप किया और यहाँ पे लिखा हमने एल ई एन लेंथ, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब मान के चलिए कि मुझे भाई नरेंद्र है, जो नरेंद्र में भाई लेंथ उसकी टैक्स कितने हैं इसमें, तो सीधे सीधे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो भाई यहाँ पे जो 8 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, एन ए आर ई एन डी आर ए। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कितने कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। तो आपने सेलेक्ट किया और लेंथ टाइप किया और सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो ये तो ईजी है। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं फॉर्मूले को, तो आप इसमें कहीं भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास पूरा एक वर्ड है, तो आप उसमें चाहते हैं भाई कि उसकी जो लेंथ है कितनी है, तो हम वहाँ पे एक एक करके काउंट तो करेंगे नहीं। आप सीधा सीधा क्या करेंगे कि सीधा सीधा आपको लेंथ एल ई एन लेंथ लिखना है, ब्रैकेट लगाना, उसको सिलेक्ट करना है सेल को और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो सीधा सीधा उसकी लेंथ निकल कर आ जाएगी, यानी कि उसमें कितने कैरेक्टर यूज़ हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉनकेट नेट। कॉनकेट नेट के लिए ओके, मैं आपको इसी में टेबल में सिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले टाइप कर लेता हूँ कि मैं फंक्शन कौन से यूज़ कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला सॉरी कॉनकेट नेट। तो जी यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कॉनकेट नेट। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ, तो ओके थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि नज़र नहीं आ रहा आपको। ओके मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने टाइप किया कॉनकेट नेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नीचे स्पेलिंग भी नज़र आ रही है आपको, स्पेल कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, टेक्स्ट और टेक्स्ट टू। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ,
जी हाँ दोस्तों, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी 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 मैंने मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक क्या है कि मुझे दोनों को कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन, कॉनकेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, गलती कर दी है मैंने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा सीधा फंक्शन लगा रहा था कॉनकेट का, क्योंकि कॉनकेट और कॉनकेट नेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। तो आपको अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैं आपको इसके बाद कॉनकेट भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको इस सेल को सिलेक्ट किया, और सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, टू टाइम्स लगाएंगे, फिर उसके बाद कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया दूसरे वाले सेल को। और उसके बाद सपोज डेट किसी का नाम है मोहन लाल, अलग अलग लिखा हुआ मोहन लाल सिंह, तो आपने यहाँ पे अलग अलग करके उसको सिलेक्ट कर लिया, और सीधा एक ही कॉलम, यानी एक ही रो या कॉलम में या एक ही सेल में, मतलब कि वो नेम पूरा का पूरा शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गया नरेंद्र दैली। जी हाँ, यहाँ पे क्या आ गया, सीधा सीधा नरेंद्र दैली। और इसके बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप वहाँ पे डबल कोट टू टाइम्स लगा देंगे, तो ये यहाँ पे उसके बीच में स्पेस भी शो करेगा। अब मुझे सिखाना है कॉनकेट। जी हाँ, चलिए मैं कॉनकेट सिखा देता हूँ। कॉन सी ए टी, कॉनकेट। जी हाँ, तो अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्म लगाता हूँ कॉनकेट का। कॉनकेट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी पहले सिखाया था कॉनकेट में मैंने मिस्टेक करी थी वो, तो आपको क्या करना है कि दोनों को, ये दोनों जो सेल हैं उनको आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है। जी हाँ, ब्रैकेट लगाया और सीधे सीधे एंटर प्रेस करा, तो ये आ गया नरेंद्र दैली। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ये नरेंद्र दैली, यानी आपने कॉनकेट नेट भी सीखा और कॉनकेट भी सीखा। उसके बाद जो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, जैसे कि सपोज डैट की आपने डेट मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, डेट। तो डेट जो है हमारे पास, जैसे कि मैं मान लूँ तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं टुडे, टुडे लिखा, और उसके बाद आपने यहाँ पे टुडे करने के बाद आपको कुछ नहीं लिख टाइप नहीं करना, आपने से दो ब्रैकेट लगा देना, यानी ओपन और क्लोज। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डेट को थोड़ा साइड लेवल बड़ा कर देता हूँ, साइज में बोल्ड करा और ये बड़ा कर दिया। जी जी, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 22 जून 2020 है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं नाउ का। किसका लगाते हैं? नाउ का। नाउ का अभी आपने सीखा टुडे का, अब सीख लेते हैं नाउ का। तो नाउ भी हमने इसी तरह से करना है जैसे टुडे किया था, वैसे नाउ भी क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये इस तरह से आपको ये दिखा देगा, यानी कि जो भी डेट है वो इस तरह से शो कर देगा। इसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास डेट निकाल के दे देता है। उसके बाद हम सीखते हैं ट्रांसपोज। जी हाँ, ट्रांसपोज, ये हम जो हमने जो फॉर्मूला अभी तक सीख लिए हैं वो हम जो अब सीख रहे हैं वो 12th नंबर का फॉर्मूला सीख रहे हैं। जी हाँ, 12th नंबर का, तो हमने सीखना है, अब क्या सीखना है हमने, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हमें चाहिए टेबल। ओके, इसी टेबल को यूज़ करें हम। चलिए मैं आपको नंबर लेके दे देता हूँ, जैसे कि सपोज डैट कि हमारे पास जो नंबर हैं, ओके यहाँ ले लेते हैं। जी ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल ले लेता, एंटर प्रेस किया और 2 और 4। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमारे पास 2 का टेबल बन के आ जाए। जी हाँ, 2 1 2 2 2 4, इस तरह से हम टेबल भी निकाल सकते हैं। आपको जो भी टेबल टाइप करना है इस तरह से आप निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो मुझे सिखाना है ट्रांसपोज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टाइप करता हूँ पहले ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। जी हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन लगाता हूँ, फंक्शन ये जी लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने ट्रांस, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 2 2 2 4। ओके, थोड़ा सा और साइज में कम कर लेते हैं ताकि आपको ना टेबल जो है वो प्रॉपर तरीके से नज़र आ जाए। जी हाँ, 2 4 6 8 10 12 14, चलिए मैं आधा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज टाइप किया और उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, एरे, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है एरे, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और आपको यहाँ पे एक की प्रेस करनी है, जो की है नोट कर लीजिए आप, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल में हो चुका है। देखिए इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज, और अगर कोई हॉरिजॉन्टल में हो तो सब वर्टिकल भी आप कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के जरिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया, जो ब्लैंक था वो उसको मैंने ब्लैंक जगह सेलेक्ट कर। तो ये सीखा आपने ट्रांसपोज। जी दोस्तों, आपने सीखा ट्रांसपोज। अब मैं आपको फ्रीज करना सिखा देता हूँ।
फ्रीज होता क्या है। हाँ चलिए दोस्तों, मैं क्या आपसे मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता चला भाई यहाँ पे कस्टमर जो फील्ड नेम है, यहाँ पे नहीं पता चला भाई कस्टमर नेम है या क्या, जो हमने टाइप कर रखा है क्या है फील्ड नेम। तो हम क्या करेंगे फ्रीज़ कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने का क्योंकि जहाँ से भी आपको फ्रीज़ करना है तो आप वहाँ पर उस रो पर यानी कि आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको व्यू पे आना है, व्यू पे आने के बाद आप यहाँ पे फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद जब इसको देखिए आप नीचे की ड्रैग करेंगे तो देखिए देखिए ये ड्रैग जो हो रहा है अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई ये नेम है, ये सिटी है, सेल्स अमाउंट है। तो ये इसको बोलते हैं हम ये फ्रीज, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको फ्रीज। और इसको हमें अनफ्रीज करना हो तो हम यहाँ पर दोबारा जाएंगे और यहाँ पर अनफ्रीज पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये शो नहीं होगा। तो ये सीखा आपने फ्रीज। अब मैं आपको सिखाता हूँ पेस्ट लिंक। हाँ जी दोस्तों, पेस्ट लिंक इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको पहले टाइप कर लेता हूँ पेस्ट लिंक। जी हाँ दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 2020 फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके होम पे आते हैं और इसको वर्जन सेंटर कर देते हैं इस तरह से, यहाँ तक इसको वर्जन सेंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ पेस्ट लिंक। तो आपको करना है क्या है पेस्ट लिंक के लिए, आप सीधा सीधा सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, चलिए यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी। जी हाँ मैं कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैं सीट नंबर 2 पे आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है पेस्ट लिंक। तो आप यहाँ पे सीधा पेस्ट पे आएंगे, पेस्ट पे आने के बाद आपको क्लिक करना है पेस्ट स्पेशल पे। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारे पास पेस्ट लिंक। अब ये पेस्ट लिंक होता क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टेबल जो है ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लेकिन ये लिंक जो बन गया है, ये लिंक होता क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जो भी चेंजेस आप अपनी जो सोर्स फाइल में, जो मेन फाइल में आप चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपना आप ही चेंज हो जाएगा। सपोज डैट कि मैंने यहाँ पे नरेंद्र की जगह मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया धर्मेंद्र। जी हाँ, धर्मेंद्र टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली हटाकर आपने इसको यूपी कर दिया, जैसे भी फॉर्मेट में लिखना टाइप करना चाहते हैं आप। तो जो भी आप इस फाइल में चेंज करेंगे यानी मेन फाइल यानी सोर्स फाइल में जो भी चेंज करेंगे वो सीट नंबर 2 पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र और यूपी लिख के आ गया है। उसके बाद जो भी अमाउंट यहाँ पर आप चेंज करेंगे यानी गुड सेल बैड सेल है, सपोज डेट मैंने यहाँ पर 12,000 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली क्या आ गया, बैड सेल लिखा हुआ आ गया और वो सीट नंबर 2 में ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है बैड सेल और 12,000। तो यानी कि आपने सीखा कि पेस्ट लिंक होता है क्या। पेस्ट लिंक होता है कि आप जो भी मेन फाइल में चेंज करेंगे यानी सोर्स फाइल में चेंज करेंगे जो डेस्टिनेशन फाइल है उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो एंड में आप ही चेंज होता चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम था कि किस तरह आप उस फ्री पेस्ट लिंक निकाल सकते हैं और फॉर्मेट पेंटर। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर तो नाम लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पे। ओके देखिए फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, क्या किस यूज में आता है। फॉर्मेट पेंटर ये है कि आपने अगर एक चीज में चेंज करा है और वही चेंज आप सब में चाहते हैं, जैसे कि सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो मैंने क्या करा कि इसका जैसे यहाँ पे मैंने बोल्ड क्लिक कर दिया और साइज़ यहाँ से थोड़ा सा मैं इसका बढ़ा देता हूँ और मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और सपोज डेट कि मैं इसमें कलर कर देता हूँ और ये कलर चूज़ कर लिया। अब मैं इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं किसी में मान लीजिए मैं किसी को हाईलाइट करना है, सपोज डेट कि इसको मुझे करना है, तो मैं जैसे ही क्लिक करता रहूँगा जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा वो वैसे का वैसे जैसे मैंने बोल्ड किया था, कलर किया था, जैसे कि हम मान लीजिए कभी आप हाईलाइट के लिए यूज़ करना चाहें और बार बार आपको वर्ड या उसी तरह का फॉर्मेट, उसी तरह का कलर, उसी तरह का फॉन्ट चाहिए तो आप एक ही बार मतलब सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे आप उस चीज़ को हाईलाइट इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का इस तरह से यूज़ है। तो आप इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का भी जो है फंक्शन है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, अब ये बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपने एक ही बार इस तरह से क्लिक किया और ये बार बार होता रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो फिट कॉलम। जी दोस्तों, ऑटो फिट कॉलम
ये है क्या कि आपने अगर सपोज डैट, मैं इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से, जी हटा दिया है इसको। अब देखिए हमारे पास जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ ये है क्या एक्चुअली में। अब मान के चलिए कि जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोहन लाल सिंह, और अभी तो जैसे कि मान के चलिए कि ये इसका साइज जो है ये मान लीजिए इस तरह से होता। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखता, मान लीजिए राहुल राहुल सिंह। अब मुझे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है, मैं जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ और फॉर्मेट पे जाता हूँ, फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा और उसका जो भी साइज होगा वो अपने आप ही ऑटो फिट कर देगा। यानी कि अब मैं जब भी इसके बाद ही ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्लिक करता हूँ तो ये जितना भी इसका टेक्स्ट का जो साइज होगा उसके हिसाब से ही ऑटोमेटिकली ये फिट करता चला जाएगा, जो भी आपको जैसे भी लिखना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मोहन अध्ययन, या मैंने चैनल का नाम लिख देता हूँ टेक्निकल एक्सेल। एक्सेल टेक्निकल एक्सेल लिखा, और टेक्निकल एक्सेल जैसे लिखने के बाद आप फॉर्मेट पे गए और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे गए तो अपने आप ही ये एडजस्ट कर लेगा। तो ये था हमारे पास ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्ट सीट। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेक्ट सीट ये क्या है, इसका यूज़ कैसे है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पे ही क्लिक करेंगे और नीचे की ओर जब हम आते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे आते हैं, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं आप उस सीट को प्रोटेक्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया 145। जी हाँ पे हमने यहाँ पे 145 दिया, ओके प्रेस करा और अगेन 145 प्रेस किया और इसके बाद ओके कर दिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास हाइड हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डिलीट भी करूँगा, मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट नहीं होगा, कुछ चेंजेस भी कुछ लिखना भी चाहूँगा तो कुछ भी नहीं लिख पाऊँगा मैं। यानी कि इस सीट को पूरी तरह से मतलब प्रोटेक्ट कर लिया गया है, या ना तो डिलीट कर पाएंगे ना ही आप उसमें कोई चेंजेस कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास प्रोटेक्ट सीट। अगर आपको इसको दोबारा चेंजेस करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि भाई इसको अनप्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप दोबारा से वहीं पे आएंगे और अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है 145 जो आपने पासवर्ड डाला था। अब देखिए इसको सबको अनहाइड कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, यानी कि अब जो भी आप काम करना चाहें, डिलीट करना चाहें आप डिलीट कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहें आप उस चीज़ को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैप टेक्स्ट। जी हाँ, रैप टेक्स्ट का भी बहुत अच्छा यूज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अध्ययन एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, ADHYAYAN अध्ययन एंड एजुकेशनल TRUST ट्रस्ट, मैंने ये लिखा इस तरह से। और अब मैं चाहता हूँ कि रैप टेक्स्ट अभी क्या करेगा कि उसको जो भी सेल है उसमें उसको एडजस्ट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, मैं इस पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसने ऑटोमेटिकली उसी जो हमारे पास सेल था उसमें उसने उसको एडजस्ट कर दिया। अब इसको आप सेंटर इस तरह से कर सकते हैं। तो यानी कि रैप टेक्स्ट का ये यूज़ है, यानी कि आप जो भी लिख रहे हैं, यानी जितना भी आपने बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसी टेक्स्ट उसी सेल में उसको वो एडजस्ट कर देता है। तो ये था रैप टेक्स्ट का यूज़। नेक्स्ट आता है हमारे पर 19 नंबर पे जो आता है फंक्शन, वो आता है ओरिएंटेशन। जी हाँ दोस्तों, ओरिएंटेशन इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में करके दिखाता हूँ फॉर्मेट प्रिंटर पे। अब मैंने यहाँ पे जैसे साइज लिया, अब फॉर्मेट यहाँ पे देखिए इसका नाम है यहाँ पे ओरिएंटेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि इसको वर्टिकल टेक्स्ट में लेना, तो आप देखिए इसको वर्टिकल टेक्स्ट में ये अपने आप ही ये कन्वर्ट कर देगा। अब ये यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये फॉर्मेट में कुछ बहुत ही इसको मर्ज कर रखा है, इसलिए इसने नहीं लिया है। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, जैसे कि सीट नंबर 2 पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लंच। हाँ जी, जैसे लिखता हूँ लंच, इस तरह से लिखा लंच, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाता हूँ और उसको मैं वर्टिकल में ले लेता हूँ। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये लंच इस तरह से शो कर देगा। उसके बाद अगर आप जो भी यहाँ पे जिस तरह से भी आप जिस एंगल में मूव करना चाहते हैं आप उसे एंगल क्लॉकवाइज जैसे भी मूव करना चाहें आप उसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जैसे भी मूव करना चाहते हैं आप उसको मूव करते हैं। अगर आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट पे जैसे भी आप इसको यहाँ से उठा इसको मूव करेंगे जिस भी एंगल में वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ओके की प्रेस किया, देखिए, और इसके बाद आपने इसे सेंटर पर क्लिक किया, ये इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास ओरिएंटेशन। और लास्ट है हमारे पास शॉर्टिंग। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टिंग
ये भी बहुत यूज़ में आता है, जैसे कि मैं आपको सीट नंबर वन पे ले चलता हूँ, सीट नंबर वन पे मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए, ओके सीट नंबर टू पे ही रहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो नेम है हमारे पास, ये हमारे पास शॉर्टिंग में आ जाए, नहीं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाए। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली मतलब मीन्स कि जैसे कि ए से लेके जेड तक, यानी कि ए फिर बी के नेम फिर सी के नेम, यानी अल्फ़ाबेटिकली आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे आता हूँ, स्लो चल रहा है काफ़ी, ओके अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए डाटा पे, डाटा मेन्यू पे आया, और डाटा मेन्यू पे जाने के बाद मैं इसे यहाँ पे ए टू जेड यानी कि सॉर्टिंग कर देता हूँ अल्फाबेटिकली। यहाँ पे मैंने ओके प्रेस किया और शॉर्ट पे क्लिक कर दिया, देखिए ये इसको मतलब कि इसने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा दिया है ये सारे के सारे, ये देखिए। अब इसको आप इंक्रीजिंग यानी कि ए से लेकर जेड तक, जेड से ए में करना चाहते हैं यानी कि हाइस्ट टू लोएस्ट, तो आप यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारे पास शॉर्टिंग। तो दोस्तों आपने सीखा आज फॉर्मूलाज एंड फंक्शन OB20, क्योंकि हमारे जो एक्सेल एक्सपर्ट जो है ये 2020 फॉर्मूलाज एंड फंक्शन है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको और मिलती रहेंगी, तो देखना ना भूलें, हमारा चैनल ज़रूर देखें और प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको।